तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब यार। आशा करता हूँ बहुत ही ठीक होंगे। और गाइस, आज की इस वीडियो में लोग दोलन दास की फूड रीडिंग करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखते तो आपको कुछ भी समझ में आने नहीं वाला है, और बीच में कुछ भी छूट दो तो आप मुझे ब्लेम मत करना, ठीक है गाइस। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ मैं, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल के भी न्यू चैनल को भी कर सब्सक्राइब, और पास वाले घंटे को दबाना मत भूलना, और एक कॉमेंट करना आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इंट्रो के साथ। दोस्तों, मैंने अपनी मॉडल की फोटो कुछ पिक्सार्ट में इस तरीके से ओपन कर लिया है। और ओपन करने के बाद आपको जाना है ब्यूटी टूल पे। ब्यूटी टूल पे जाने के बाद आपको जो है स्मूथ कर लेना है, फेस वगैरह जो है क्लोन, कपड़े वगैरह जो है क्लोथ, सब कुछ आपको स्मूथ कर लेना है ताकि फोटो बहुत ही अच्छा दिखे। तो मैं कुछ इस तरीके से ये कैप्चर कर रहा है। तो देखिए कैसे कैप्चर कर लिया है। अब यहाँ से हम राइड करेंगे। राइड करने के बाद जो है हम यहाँ पर फेस इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे। थोड़ा कपड़े कपड़े में कपड़े वगैरह में तो हम इसे कर देंगे, ठीक है गाइस। अब यहाँ से हम स्किन टोन पे जाएंगे कुछ इस तरीके से, लेकिन हमको स्किन टोन नहीं चाहिए तो हम इसे बैक कर देंगे। ओके गाइस, डिस्कार्ड। और यहाँ से हम इस पे जाएंगे, और यहाँ से हम फेस को जो है काला वगैरह यहाँ पे धब्बा वगैरह है यहाँ से हटा देंगे, और यहाँ से हम राइड कर देंगे, ठीक है गाइस। और अब यहाँ से हम जाएंगे कटर टूल पे। कटर टूल पे जाने के बाद यहाँ से हम जो है इसे फोटो के बैकग्राउंड को हटा देंगे और मॉडल को काट के निकाल देंगे जिस तरीके से। तो मैं इसे कट कर लेता हूँ, थोड़ी जल्दी जल्दी वीडियो को थोड़ा पॉज कर देता हूँ, ठीक है गाइस। तो गाइस, मैंने इसे कट कर लिया। अब यहाँ से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ से ड्रॉ पे जाएंगे। ड्रॉ पे जाने के बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, और जैसे सेव इमेज, तो हमारी इमेज जो है सेव हो चुका है। अब इसके बैकग्राउंड को ले आएंगे। तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड को ले आया हूँ। अब बैकग्राउंड को ले आने के बाद यहाँ पे हम ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे। ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद हमने जो मॉडल की इमेज जो है कट की थी यहाँ पर हम लगा देंगे कुछ इस तरीके से। ओके गाइस, तो हम कुछ इस तरीके से इसे बड़ा कर देंगे थोड़ा सा, और यहाँ से हम कुछ इस तरीके से बिठा देंगे इसे। बहुत बढ़िया लग रहा है। अब यहाँ से हम इसे एफएक्स पे ले जाएंगे। एफएक्स पे ले जाने के बाद ऐसे हम आर्टिस्टिक पे जाएंगे, फेटल वन, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको कम कर देंगे। और यहाँ से हम फेस के ऊपर से हटा देंगे इसे, बालों वगैरह में जो भी आता है भाई रहने देंगे हम, बस खाली फेस के ऊपर से हटा देंगे ताकि फोटो अच्छा दिखे लुक में भी, ठीक है गाइस। तो कुछ इस तरीके से उसकी बियर्ड वगैरह में भी लगा देता हूँ थोड़ा सा, थोड़ा बहुत काला वाला दिखे, नहीं तो फिर फोटो अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमको कर देना है। इसी तरीके से आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिएगा, जैसे जैसे बोल रहा हूँ तो आपका फोटो ख़राब बन जाएगा। और यहाँ पर हाथ में है आ चुका है, आप देख ही सकते हैं गाइस। तो अब यहाँ से हम हाथ को ऊपर से हटा देंगे इसे थोड़ा बहुत, यार इधर भी लग गया है। अब वीडियो को थोड़ा पॉज कर देते हो, ठीक है गाइस। तो कुछ इस तरीके से मैंने कर लिया है। अब यहाँ पे राइड करेंगे, कुछ इस तरीके से राइड कर देंगे। अब यहाँ से हम जाएंगे फिर से एफएक्स पे जाएंगे। एफएक्स पे जाने के बाद यहाँ पे जो ऑयल पेंट पे क्लिक करेंगे। ऑयल पेंट पे क्लिक करने के बाद जो है इसके फेड को थोड़ा कम कर देंगे, 9 पे रख गया है मैं यार, तो और कम करेंगे ताकि थोड़ा कपड़े में गर्मी दिखेगा, बहुत ही अच्छा दिखे। तो इसीलिए हम फेस हटा देंगे करने पहले, नहीं तो गाइस रहने देंगे हम कुछ इस तरीके से। अमाउंट को कर देंगे 4 या 3-4 ऐसे कुछ कर देंगे। और यहाँ से हम जो है इसकी आइस के ऊपर से इरेज कर देंगे, इसे आँख को निकाल देंगे क्योंकि आँख में लगने वाला है वो, हमारा जो है पीएनजी लगने वाला है, इसलिए हम आँख को काट के निकाल देंगे कुछ इस तरीके से। आँख हटा देंगे इसका,
फिर इस तरीके से कर देंगे। अब यहाँ से हम कर देंगे राइट। राइट करने के बाद जो है हम ऐड फूड पे क्लिक करेंगे। ऐड फूड पे क्लिक करने के बाद हम जो है लाइट की PNG को लाएंगे यहाँ से। डाउनलोड में मैंने डाउनलोड किया था वो यहाँ से। अब यहाँ से हम लाइट की PNG को लाएंगे। ये दो बार निकल लेता हूँ मैं से, तो इसे हम ब्लैक एंड वाइट कर देता हूँ मैं। परफेक्ट, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से इसे आँख के अंदर ढकेल देता हूँ कुछ इस तरीके से। एडजस्टमेंट को बढ़ा देता हूँ इसकी थोड़ी, लाइट की लाइट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि दिखेगा इस थोड़ा अलग दिखे भाई, सबसे अलग दिखे इसीलिए। जिसको भी हम एफएक्स पे जाएंगे, एफएक्स पे जाने के बाद इसको भी ब्लैक एंड वाइट कर देंगे। ब्लैक एंड वाइट करने के बाद इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे, एडजस्ट को थोड़ा बढ़ा देंगे और यहाँ से राइट कर देंगे। अब यहाँ से राइट कर देंगे, ओके गाइस। और हमको क्या करना है, अब इधर कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं करना है, यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ से हम डॉडल में जाएंगे। डॉडल में जाने के बाद इमेज को सेव कर देंगे। अब बाकी से स्नैपशीट और लाइटरूम का कमाल होने वाला है। तो गाइस यहाँ पे हम स्नैपशीट ओपन कर लिया है। अब यहाँ से कहाँ पे भी क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों मैं मॉडल की फ़ोटो इसमें ला चुका हूँ। अब यहाँ से हम जाएंगे टोटल कॉन्ट्रास्ट। टोटल कॉन्ट्रास्ट में जाने के बाद हम इसे थोड़ा बढ़ा देंगे सब कुछ, हाँ, टोन्स वगैरह। ओके गाइज हम कुछ इस तरीके से कर दिए है, हम लास्ट वाले को थोड़ा कम कर देंगे। और गाइज यहाँ से हम देखिए कुछ इस तरीके से हो चुका है हमारा एडिट, आधा एडिट थोड़ा सा हो चुका है। अब यहाँ से हम जाएंगे डिटेल्स पे, डिटेल्स को थोड़ा बढ़ा देंगे, शार्पनेस वगैरह जो भी है। हाँ अब गाइस आपको क्या करना है, अब यहाँ से पेंसिल पे जाना है, फिर से यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉस्टमैन। टेक्स्ट को पूरे कट कर देते हैं, FROST MAN। गाइस हमको इस तरीके से कर दिए है। तो गाइस इस तरीके से कुछ कर लिया है मैंने। अब यहाँ से हम इसके टेक्स्ट को चेंज कर देंगे कुछ इस तरीके से, देखेंगे कैसा दिखता है। पहले ऊपर करके देखेंगे, एक एक करके जैसा अच्छा दिखता है हम वैसे पे क्लिक करके उसे ले लेंगे। इसको जिस तरीके से हम चेक कर लेते हैं कौन सा अच्छा दिखता है। ये ले लेते हम, ठीक है। अब यहाँ से हम राइट कर देते हैं। राइट करने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे ग्लैमर ग्लो पे। ग्लैमर ग्लो पे जाने के बाद थोड़ा सा ग्लो कर देंगे, सेंचुरेशन को घटा देंगे और वार्मनेस को कर देंगे इस तरफ कर देंगे, लेफ्ट तरफ कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस कर लीजिएगा वार्मनेस को। और यहाँ से देख सकते हैं फोटो को इस तरीके का, कुछ इस तरीके का हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे से लेंस ब्लर में जाना है। लेंस ब्लर में जाने के बाद यहाँ पे जो है ये क्लिक करना है, इसको सीधा कर लेना है। सॉरी गाइस ये बाहर फेंक दिया यार, इसको कुछ इस तरीके से सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद यहाँ पर से जो है टेंशन को ज़्यादा कर देंगे और विग्नेट स्ट्रेंथ को कर देंगे ज़्यादा, और यहाँ से कर देंगे राइट, ठीक है। और राइट करने के बाद यहाँ पर से फोटो को सेव कर लेंगे। तो गाइस सॉरी गाइस मैं आपको वो जो है सामने जो कटा हुआ जो है हाथ पैर कटा हुआ वो नहीं लगा पाया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता, तो इसलिए मैं लगाया नहीं, तो सॉरी गाइस इसके लिए। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया, अगर आपको वीडियो थोड़े से पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड।